फरार जाते दल के मुखिया और प्रमुख चेहरे आंदोलन से गायब होकर विदेश चले जाते हैं, उस आंदोलन का क्या होगा? मध्य प्रदेश पीसीसी के अध्यक्ष भी पिछली बार कांग्रेस के आंदोलन से गायब थे। देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी आप कहाँ हैं। देश का किसान पीएम मोदी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए वह वीडी शर्मा ने कहा, शायद विदेश है, राहुल गांधी कुछ सीख कर आए। सदन स्थगित करने पर कमलनाथ के आरोप पर वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में तय हुआ तो फिर आरोप कैसा। उस बैठक में कमलनाथ भी मौजूद थे। भोपाल से संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। केवल देश के अंदर इस प्रकार के गुमराह करने वाली बातों के अलावा कांग्रेस के इस प्रकार के नेतृत्व ने कभी गंभीरता दिखाने का काम इस देश के अंदर नहीं किया है। केवल फूट डाल करके राज्य करते रहो, यही उनकी भूमिका रही है। हो सकता है राहुल गांधी जी उसी भूमिका में आज गए होंगे। कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं पार्टी के काम से गए। कांतिलाल भूरिया जी बताएं कहाँ गए पार्टी करने के लिए? अगर वो बोल रहे हैं उनको पता है कि राहुल गांधी जी कहाँ गए। देश यही तो जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी आप दुनिया के किस कोने में हैं, नानी के घर हैं या कहीं और हैं, जरा बताइए, जनता जानना चाहती है। तो कांतिलाल भूरिया हो या कमलनाथ जी हो, जरा बताएं कि उनके नेता इस देश के अंदर जो किसान आंदोलन को गुमराह करके देश को अस्थिर करना चाहते थे, लेकिन देश के किसानों ने मोदी जी के समर्थन में खड़े होकर के, और मध्य प्रदेश के किसानों ने तो माननीय मोदी जी के कानून पर लवालब पूरे मध्य प्रदेश को कर दिया कि हम आपके साथ, ताकत के साथ खड़े हैं। और ऐसे समय में कांग्रेस के ऐसे नेता जो कल तक क्या कह रहे थे, आज वो गायब हो गए। जिस कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कोरोना की गारंटी मांग रही थी सरकार, इसलिए विधानसभा सत्र नहीं हुआ, मांग रही थी सरकार, इसलिए विधानसभा सत्र कैंसिल हुआ। सर्वदलीय मीटिंग में क्या हुआ? देखिए, मेरा फिर एक कहना है, राजनीति में इन पदों पर रहने वाले लोगों को गंभीरता से बोलना चाहिए। एक बार मैंने कमलनाथ जी के लिए कुछ कह दिया था तो कमलनाथ जी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी को गंभीरता से बोलना चाहिए। कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सर्वदलीय बैठक में आप उपस्थित थे, वहां आपने क्या कहा और आज आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ, छल, कपट की राजनीति से राजनीति नहीं होगी। ये मध्य प्रदेश आपको जानता है। कल वहां आप क्या बोल रहे थे? आपने सत्र को सस्पेंड कराया और आज आप कह रहे हैं कि कोरोना की गारंटी सरकार चाहती थी। ये झूठ बोलने से राजनीति नहीं होगी कमलनाथ जी। ऐसे अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।